हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, भिन्न का घटाव। ये ऊपर जो दिया रहता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे जो डिवीजन में दिया रहता है वो डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12/7 - 5/7। तो ये 12 हमारा न्यूमरेटर हुआ, 7 डिनोमिनेटर, 5 न्यूमरेटर हुआ, 7 डिनोमिनेटर हुआ। तो जो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, डी यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है, 7 है। तो अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक यानी कि घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 - 5, 7 डिनोमिनेटर है तो 7, 12 में से 5 गया 7, डिनोमिनेटर में कितना है 7, 7/7। तो जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर जो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर में से सेकंड वाले न्यूमरेटर को घटा देंगे, और जो भी घटाने के बाद आंसर आएगा वो लिख देंगे, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं है ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम बटरफ्लाई वाले ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन बटरफ्लाई वाला ट्रिक होता है ये सिर्फ उसी में लगा सकते हैं जिसका एलसीएम निकालने पे वो एलसीएम ना निकले, बल्कि उसका मल्टीपल करके एलसीएम निकालना पड़े, डायरेक्ट मल्टीपल। नहीं, 3 और 2 है तो इसका एलसीएम नहीं होगा, तो इसे हम डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन में हम ये बटरफ्लाई वाला ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 और 2 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 = 6। उसके बाद यहाँ पे 10 और 2 को मल्टीपल करके लिखेंगे, 10 × 2 - 3 और 5 को मल्टीपल करके इसमें लिखेंगे, 3 × 5, 10 × 2 = 20, 3 × 5 = 15/6। तो 20 में से 5 गया 5/6, ये इसका आंसर हो जाए। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 6 और 3 है तो 6 और 3 का यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3×2 = 6, 1 बार में गया 3, मल्टीपल करेंगे कितना आया 3×2 = 6, 1 है 6, 6×1 = 6, एलसीएम इसका कितना आया 6। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले हैं तो डिनोमिनेटर में इसमें डिवाइड करेंगे, तो 6 के टेबल में ये 6 कितने बार में है, 1 बार में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 से मल्टीपल करेंगे। 3 के टेबल में कितने बार में है, 3 के टेबल में ये 6 2 बार में है, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीपल करेंगे, 12 × 1 = 12 - 5×2 = 10, कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, 12 में से 10 गया 2/6। इसे हम यहाँ से अगर कटता है तो कटा कर भी लिख सकते हैं, 1 बार में 2 और 3 बार में 6, 1/3। यहाँ पे जो 7 था इसे भी हम ऐसे कटा सकते थे, 7 के टेबल में 1 बार में, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। 5 और 6 तो नहीं कटेगा, तो इसे नहीं कटाएंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आई होप आप सभी लोग को यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।